बिना हाथ लगाए पानी की गंदी टंकी होगी साफ 5 मिनट में आपके देखते ही देखते। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी की टंकी कई कई महीने तक साफ नहीं करते और उसके अंदर कितनी सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। इसी से हम पानी को पीते हैं, इसी पानी से हम नहाते हैं, तो हमारे खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए आज ये बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक जुगाड़ बनाना है इस प्लास्टिक की बेकार बोतल से और सारी गंदगी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी आपके देखते ही देखते। देखिए अभी इसको साफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 टंकियाँ रखी हैं और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इन दिनों बारिशों के दिनों में जो टंकियों का पानी है गंदा हो जाता है काई की मॉइस्चर पकड़ने की वजह से, क्योंकि बाहर भी नमी होती है अंदर भी नमी होती है, पानी पानी होके, और बहुत से लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं जिससे ये उनकी जो अंदर की प्लाई होती है, ये परत होती है प्लास्टिक की, ये खराब हो जाती है, जिस कारण इसके अंदर काई जमने लग जाती है। इस तरह से ये देखिए नल के पास, ये इधर 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 ये देखिए नल के पास जैसे काई जम गई है, ये केमिकल का प्रयोग करने की वजह से है। आज बिना केमिकल के आप इसका प्रयोग करके एक बोतल का देखिए कैसे अपनी टंकी को साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक प्लास्टिक की बेकार बोतल लेनी है और ये लॉन्ग लाइफ चलेगी। सिर्फ आपको इसको ऊपरला हिस्सा इसका काट लेना है और इसको इस तरह से साफ कर लेना है। बहुत सी महिलाएं परेशान रहती हैं पानी की टंकी साफ करनी है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं, कई टंकी साफ करने को वो वाले को बुलाते हैं, वो कहते हैं केमिकल डालो, लेकिन आपको बिना केमिकल के कैसे यूज करनी है टंकी को साफ करना है और उसमें ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगेगी। ये देखिए बोतल को आपने काट लेना है। ये इन दिनों में बहुत सी बीमारियां फैल रही है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वो सारा इन्हीं की दया की वजह से हो रहा, क्योंकि बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है, टंकी में पानी गंदा है और सारा कुछ गंदगी खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, और ये देखिए स्किन के कई रोग हो जाते हैं हमें, चर्म रोग जिन्हें कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे। ये बोतल को काट लिया है और इसको आपने एक प्लास्टिक की जो आपकी पाइप होती है पानी की पाइप से इसको अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है प्रॉपर तरीके से, इसको लीक ना हो, कहीं से हवा लीक ना हो, प्रॉपर तरीके से आपने जोड़ के फिक्स कर देना है जैसे मैंने किया। अभी देखिए इसको आपने कैसे यूज़ करना है। और ये देखिए एक पॉलिथीन लेनी है आपने, और यदि आपकी छत पे 2 टंकी रखी हैं तो आपने क्या करना है, ये बीच का जो कनेक्शन है बंद कर लेना है जिसके आर पार पानी क्रॉस होता है, ताकि आप टंकी साफ करो तो उस टंकी से इस टंकी में गंदगी ना आए, पानी ना आए। इस तरह से आपने इस मेन होल को सप्लाई वाले को बंद कर लेना है। थोड़ा ऊपर से दिखाएं, ये देखिए इस तरह से कोई भी डंडी या किसी टैब की मदद से बंद कर ले जो आपको सुविधा हो, इस तरह से आपने बंद कर लेना है क्रॉसिंग पानी को। और फिर आपने क्या करना है, एक मग लेना है और इस पाइप को पूरा भर लेना है ऊपर तक। ये देखिए थोड़ा हल्का सा लूज छोड़िए। अभी आपको ये सारी गंदगी मैं उस तसले में दिखाऊंगा। देखिए वो तसला पाइप वहाँ पे रखा है, ये देखिए पाइप यहाँ से गया हुआ है, इस पाइप से आती हुई सारी गंदगी उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। छोड़ दो। वो देखिए कैसे पानी वहाँ पे आने लगा है, और यहाँ से पानी प्रेशर बनाओ, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से ये गंदगी कैसे खींच रहा है। ये जो नीचे का हिस्सा है इस बोतल का, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दी गई है और ये वैक्यूम सारी गंदगी को नीचे छोड़ दो पाइप, हाँ हल्के नीचे रखो, पाइप को मुड़ने ना दो, सीधी रखो, प्रेशर आने दो पूरा। ये देखिए इस तरह से आप इस टेक्निक का प्रयोग करोगे तो ये देखिए थोड़ा ऊपर से दिखाएं, ये देखिए धीरे धीरे जैसे जहाँ जहाँ से इस बोतल को मैं घुमा रहा हूँ वहाँ वहाँ से ये गंदगी इसकी पानी की खींच रहा है वैक्यूम के द्वारा। ना तो आपको टंकी के अंदर बढ़ने की जरूरत है, ना पैर रखने की जरूरत है, न ही हाथ। देखिए जहाँ जहाँ से ये हटाई है मैंने, ये सारी मिट्टी जो रहता है कण है वैक्यूम के द्वारा खींच रही है ये पाइप और खींच। ये देखिए इस तरह से इस टेक्निक का प्रयोग करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो इन दिनों में बरसाती मौसम में जो चल रही है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जो मैंने ये एक आइडिया निकाला जिससे मेरे को खुद
ये स्किन में एलर्जी हो गई थी हमारा टंकी का पानी खराब होने की वजह से, इस तरह से ये प्रयोग करके आप अपनी टंकी को साफ कर सकते हो। बहुत ही 5 मिनट में ये साफ हो जाती है, आपने लगा के छोड़ देनी है। वो देखिए तसले के अंदर ये सारी इकट्ठा हो रही है, ये देखिए ये पाइप ये दिखाए, ये देखिए ये सारी गंदगी यहाँ पे इधर इकट्ठा हो जाएगी इस पाइप के थ्रू। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोगों में फैलाएं और इस थैंक यू।